लोन रिकवरी एजेंट से हथियार के बल पर हुई लूटकांड, मामले का 24 घंटे के भीतर पुलिस ने किया उद्भेदन। लूट की रकम व हथियार के साथ चार गिरफ्तार। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के राहम बाईपास रोड के पास हथियार के बल पर लोन रिकवरी एजेंट से हथियार के बल पर हुए लूटकांड का पुलिस ने 24 घंटों में उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने लोन रिकवरी एजेंट से लूटे गए 1,30,000 रुपये नगद, एक मोबाइल फ़ोन, एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, लूटा हुआ बैग, एक टैब हुआ, एक थंब स्कैनर के साथ चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य लुटेरे फिलहाल फरार हैं। गिरफ्तार लुटेरे टंडवा थाना क्षेत्र के गोंदा व बिलवाटांड इलाके के रहने वाले हैं। गिरफ्तार लुटेरे टंडवा में भारत फाइनेंस कंपनी में लोन रिकवरी एजेंट के तौर पर कार्यरत था, जो थाना क्षेत्र के बड़गांव और राहम गांव से करीब 2,11,000 रुपए लोन की राशि को रिकवरी कर टंडवा की ओर लौट रहा था। इसी दौरान लुटेरों ने बाइक से पीछा कर राहम बाईपास मोड़ में लूट की घटना को अंजाम दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फरार अन्य दो लुटेरों के पास शेष लूटे गए पैसे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही फरार दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस समय चार अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। 4:10 को संध्या 5:30 बजे भारत फाइनेंस कंपनी के सुनील कुमार बाहुरी, जो राम और बिलवाटांड के आसपास है, सो लोन का पैसा रिकवरी कर वापस आ रहे थे। उन्हें चार अपराधकर्मी है सो रोक कर हथियार दिखाकर उनके पास से टैग और मोबाइल आदि सामानों को लूट लिया गया था। तब उनकी डिक्की में रखा पैसा को लूट लिया गया था। बाद में इस कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय छत्रा के द्वारा गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई किया गया। इसमें घटना कार्य करने वाले चार अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हथियार बरामद किया गया जिसका इस्तेमाल ये अपराध करने में किए हैं, तथा इनके निशानदेही पर ही लूट का सामान एवं लूट का पैसा 1,30,200 बरामद किया गया है।